आजकल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे बाहर की कंट्रीज से, लाइक पुअर इंडियंस, लाइक होमलेस इंडियंस। तो आज इस वीडियो में मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। इंटरनेशनल मीडिया ये स्प्रेड करता है तब ये लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। बट अगर ज्यादा लोग यही माइंडसेट कर लेंगे कि इंडिया में सब होमलेस हैं और स्लम्स हैं, तो ये इफेक्ट करेगा इंडिया की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। इंटरनेशनल मीडिया इस तरह की न्यूज को बहुत तेजी से स्प्रेड कर रही है, बट शायद वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया का साइज कितना बड़ा है। साइज से मेरा मतलब पॉपुलेशन से है। इंडिया में पूरे एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ज्यादा लोग रहते हैं, तो जब पूरे कॉन्टिनेंट के बराबर पॉपुलेशन है तो जाहिर सी बात है इंडिया में हर चीज एक्सट्रीम लेवल पर होगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर्स रहते हैं पूरे वर्ल्ड के, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं डे बाय डे। इंडिया बहुत सारी पॉजिटिव चीजों में भी आगे है। रीजन, बिकॉज इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन। तो यही रीजन है कि इंडिया कुछ पॉजिटिव चीजों में भी आगे है और कुछ नेगेटिव चीजों में भी आगे है। बट ये लोग कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव चीजों को कैच कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों की न्यूज बनाते हैं। और कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव जल्दी स्प्रेड होता है। और यही एक कारण है कि जब हॉलीवुड मूवी मुंबई में शूट होती है तो उनको मरीन ड्राइव से ज्यादा इंटरेस्ट धारावी में होता है। तो क्या किसी और कंट्रीज में प्रॉब्लम्स नहीं, तो क्या किसी और कंट्रीज में स्लम्स नहीं? ऑफ कोर्स हैं। केप टाउन मेक्सिको सिटी में बहुत बड़े लेवल पर स्लम्स हैं, और लॉस एंजलिस जैसी सिटी में एक जगह है स्किडरो, वहां भी बहुत सारे होमलेस लोग रहते हैं और वो बहुत खतरनाक एरियाज में आता है। आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं स्किडरो के बारे में, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। बट हमारी मेंटेलिटी ये है कि यूएसए में सब सही है, सब अच्छा है, और उनकी मेंटेलिटी ये है कि इंडिया में सब पुअर है, सब खराब है। अब कुछ लोग कहेंगे कि तू पागल है, यूएसए और इंडिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं और उनपे बात होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखाए जाए तो ये इंडिया का ओवरऑल टूरिज्म इफेक्ट करता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को भी इफेक्ट करता है। बाकी ट्रू आर्मी, ये चैनल आपका चैनल है और आप लोग प्लीज ऐसे ही यूनिटी हमेशा रखना। और यार सब्सक्राइब कर दो, आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरी वीडियो ज्यादा चलेगी, तभी लोगों तक बात पहुंचेगी। बार बार मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस बार। बाकी टी सीरीज बहुत क्लोज है, टी सीरीज को भी सब्सक्राइब कर देना। और यार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, तो गाइस समझो मैं ऐसा क्यों करूंगा कि आप लोगों की बात ना सुनूं। यार कुछ मजबूरियां हैं, छोटा सा चैनल है, बहुत सारी चीजें मुझे अरेंज करनी है, कुछ चीजें मुझे परचेज करनी है। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझेंगे। बाकी लास्ट टाइम फर्स्ट कमेंट किया था टेक्निकल धीरज ने। बाकी मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, आप मेरे वीडियोस देखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।